जी समोसे की जो फिलिंग रेडी हो चुकी हुई थी, अब मैं उसकी रैपिंग करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है और उसकी जर्दी जो है वो मैंने साइड पे कर दी है। सिर्फ सफ़ेदी के साथ उसको फेंट कर और इसके साथ मैं रैपिंग करूँगी, क्योंकि इसके साथ अगर रैपिंग करूँगी तो बहुत क्रिस्पी होती है और मज़ा भी आता है उसका। और ये पट्टियाँ देख के ना तो मुझे इतनी बस गुस्सा आ रहा था कि अजीब वो गीली गीली सी हो गई हुई थी, जैसे आई थिंक फ्रीज़र में थी बट पैक थी। मैंने अभी सिर्फ पैकेट खोला लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे पानी में पानी अंदर गया हुआ है इसके। तो अब जो है मैं कुछ इस तरह से फिलिंग करती हूँ, मेरी थोड़ी ये डिफरेंट वे है बट अच्छा लगता है ये भी मुझे। तो ये इस तरह से फिलिंग करके ये जो लास्ट वाली एक लेयर रह जाएगी इस पर फिर मैं ये लगाऊंगी अंडा और फिर इसको बंद कर दूंगी। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये जब एक दफ़ा अंडा आप इस पर लगाते हैं ना तो उसके बाद ये खुलती नहीं है बट्टी। अगर आप वो आटे वाली करें, वो भी आई थिंक वो तो मेन मेथड है ना इसको रैप करने का, अमूमन वही यूज़ होता था पहले। बट पता नहीं क्यों मैं जब भी वो करती हूँ तो मेरी वो खुलती जाती हैं, पर इससे नहीं खुलती है। ये जो पट्टियाँ होती हैं ना इनको रैप इनको मतलब सेपरेट करना, एक एक को अलहदा करना। तो जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरा भाई कर दिया करता था या मामा कर देती थी और रैप भी करते होते थे वो लोग। लेकिन अब जो है ये मेरी दुनिया मुनिया जो है मेरी छोटी छोटी हेल्पर्स आ गई हैं तो मेरा थोड़ा काम आसान हो गया। ये लोग मुझे जो है उतार के दे रही हैं एक एक रैपर रैपर समोसा रैप रैपर समोसा रैप। तो ज़रा मुझे थोड़ी सी तसल्ली होगी, बस आपको मेंटली वो होता है ना कि कोई हेल्प करे साथ, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। बस दे दे, नहीं नहीं ये नहीं उतारना बेटे आपने। मैं उतार रही हूँ, मैंने उतार लिया। अच्छा तो अब लगता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा है ना, क्योंकि जन्नत हेल्प कर रही है मामा की, नूरी भी और नूर भी। फिर जब आप थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी फिर आप बनाओगी सारी, खुद ही क्या करोगे। हाँ जी, ये भी डालूं। ये भी आप खुद डालेंगी फिर। हाँ जी। और फिर फ्राई भी करेंगी। हाँ जी। ऑयल में। हाँ जी। ओके। फिर हम हैंड वॉश करेंगे। करूंगी। करूंगी। नारे। आजकल इनकी उर्दू की क्लास चल रही है कि भाई उर्दू ही बोलनी है आपने घर में, तो बड़ी मज़ेदार उर्दू बोलती हैं टूटी फूटी ऊपर ना और बीच में फनी वनी नूरी ये मुझे ओपन करना लुक इट्स गुड यू कैन नॉट टॉल। ये मेरा ना वैसे बिल्कुल भी पसंदीदा काम नहीं है, ये काम नहीं मुझे पसंद रैप करना। दे दे मुझे वन। तो हम लोग ये होता था कि हर साल जब भी मनाते थे ना या जैसे 27वीं को हमारे नानी के घर में बहुत बड़ा मतलब होता था, इफ्तारी बहुत बड़ी होती थी और साथ में ख़त्म भी होता था नाना अबू का। और तो हम लोग क्या करते थे, बहुत बड़ी इफ्तारी होती थी और सारे रिलेटिव्स आते थे और हम लोग एक दिन पहले दो दिन पहले सारी तैयारी करते थे। हम भी लाहौर से चले जाते थे सरगोधा में,
तो वहाँ जाके हम लोग ये सारी तैयारी किया करते थे, समोसे बनाते थे और चाट और फ्रूट चाट हो गई और आलू चने की चाट और पता नहीं क्या क्या हम लोग ना सारे मिलके करते होते थे। तो मैं मसाला बनाती थी और फिर इसी तरह रैप का तरीका बताती थी और सारी कज़नें हम मिलके जो है करते थे, फिर पूरी रैपिंग करते थे इसको। तो अक्सर ऐसे ही होता था, अकेले कभी किया नहीं, या फिर भाई होता था तो भाई करता था, वो मेरे साथ हेल्प करता था। तो जो रमजान के होते थे उसमें भाई करता था हेल्प। तो अब मेरी मुनिया कर रही है मामा की हेल्प, राइट मुनिया? I have an idea, Nuri. You put it here. You're gonna see if there are two same, then you're gonna tell them. जो खराब हो रहे हैं ना बेटे, वो आपने इस साइड पे रख दें, क्योंकि वो फिर हम पापड़ी बना लेंगे उसकी, ठीक है? हाँ जी। जो खराब हो रहा है उसको आपने साइड पे रखना है नूनो, और जो ठीक है वो मुझे इधर ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं लंबी करके, तो मैं खुद उठा लूँगी। और अब ये आपने जो हैंड ऐसे किए ना, अब ये उस पर नहीं लगाना, अब जाके हैंड वॉश करके आए भाग के। हेल्प करें ना बेटे फिर, लेकिन हैंड वॉश करके आपने खारिश की है ना, फिर वो जर्म्स लगते हैं, मेरी जान सब ने खाने हैं ये। मैंने खारिश नहीं की। गुड। मामा मेरा बैक पे खारिश हो रहा है और मैं खारिश नहीं कर रहा हूँ। कर रहा नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। चलो मैं चलना दी, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया काम के, आप मामा की हेल्प करोगी ऐसे, फिर तो मैं कल दूसरे वाले भी बना लूँगी। मामा टूट गए। कोई बात नहीं, जो टूट भी जाएगा ना उसको सेपरेट कर दें, फिर उसकी पापड़ी बन जाएगी दही भल्लों के लिए, चाट के लिए। इस पे होल हाल ही देखे। कोई बात नहीं, इट्स फाइन। आप इस साइड पे रखते हैं जो खराब हो गई है। हम इधर रख सकते हैं? नहीं, इस साइड पे वन बाय वन उठाएं। मिक्स हो गई है, जो आपने निकाल के रखी थी ना वो भी मिक्स हो गई है, और जो मुझे पता है। गुड जॉब, ड्राई भी कर ले हैं। मैंने ड्राई कर दिया, अब मैंने लाइट ऑफ किया। हाँ जी, गुड जॉब। आ जाए आप इधर। जी आप कर सकती हैं, अब आपने फीट इस पाँव को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? टच नहीं करना। और खारिश नहीं? खारिश भी नहीं करनी, अगर तो हेल्प करनी है तो खारिश नहीं करनी। अगर करनी भी पड़ी तो फिर हम दोबारा से हैंड वॉश कर लेंगे, राइट? ये ना, I want to get that off. You can do. You can. उसको भी दे दो थोड़ा। I can do this. You can do also. I'll help थोड़ा and then you will do बाकी, okay? Good idea, mama. No. वैसे एक बात है कि जो हेल्पर होता है ना कोई आपका, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, तो आपको बड़ा सुकून मिलता है। और मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ कि भाई अच्छा मैं ओके अब शायद जल्दी अच्छा जी, मैं साथ सितारा यासीन के व्लॉग्स देख रही थी,
वो माशाल्लाह से गई हैं उधर मदीना में अपनी अम्मी से मिलने, आई थिंक खत्म हो गया। और मैं देख रही थी कि आज उसने फर्स्ट टाइम ज़ियारत भी की है, खत्म। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट वन कि कब वो जाएगी और फिर मैं देखूँ उसकी अम्मी को और इस तरह से। तो मैं, अच्छा लगा मुझे ये व्लॉग। खत्म हो गया, गुड जॉब। दूर रहता था, थैंक यू। अभी तो कल और बनाएंगे बेटे, अभी तो ये बहुत ज्यादा फीलिंग पड़ी है इसकी। अभी फीलिंग भी बहुत ज्यादा है और फिर हाल ही नूरी करेगा। नहीं, आप दोनों करना। नहीं, नूरी हाल करेगा। करेगा नहीं, करेगी। करेगा। कर देना ना बेटे, कल आप कर देना सारी। ओके, प्लीज। नहीं करोगे आप फिर भैया, ना करे ओनली। अच्छा ये देखे, ये आई थिंक ये दो हैं, इनको सेपरेट करें। लेकिन मामा मुझे ऐसे करना, ऐसे भी कर लें। खत्म हो गया इधर से, लेकिन मामा ये देखे मैंने ऐसे नहीं किया। तो आप दूसरी साइड से कर लें, दूसरा अभी हो रही। चलिए, अभी करने का ये फायदा हो गया है कि काफी हद तक हमारे बन तो गए हैं ना। एटलीस्ट मैंने ऐसे चार पैकेट्स मंगवाए थे इसके समोसे पट्टी के, और अभी सिर्फ एक ही यूज हुआ, तीन अभी पड़े हैं। और ये फिलिंग भी अभी माशाल्लाह से काफी पड़ी है। You know you like the check is on the other side. No, it's on the side. तीन पैकेट हैं अभी तो वो चिकन और उसके जो समोसे हैं वेजिटेबल वो भी पड़े हुए हैं, उनकी भी बनेगी फिलिंग। I think there's more. How many more? No more. It's with just three. Thank you guys. आप लोगों ने help की ना, तो जल्दी जल्दी हो गया मेरा काम। See? Yeah. Finish भी हो गया। देखा जब आप किसी की help करते हो तो कितनी जल्दी काम हो जाता है, right? जी। और आपसे जल्दी नहीं खत्म होता। वरना नहीं होना था ना जल्दी करते। मामा को तो हेडेक हो रहा था कि मैं पट्टियां कैसे अनरैक करूं इसको। मैं देखे कब बना सकती, फिर मैं खाऊं। मुझे खाना है, खाना है अभी। खाना आपने जी? मैं अभी बना देती हूँ। आई लव इट, थोड़े से बना। आई लाइक इट। ओके मामा जी, मैंने आपका हेल्प किया, अब मैं। अरे नहीं बाबा, दैट्स नॉट अ गुड डील, बिकॉज यू ऑलरेडी प्लेड सो मच। ओके प्लीज मेरी जान, अब देखे टाइम क्या हो रहा है। अच्छा टाइम देख के बताएं पहले मुझे, please, क्या टाइम हो रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज, ये वाला नहीं वो वाला, नहीं जाओ किचन में देख के। अब तक तो आपको सो जाना चाहिए ना। हाँ जी बेटे, बस ये डन होता है तो हम भी चलते हैं। राइट नो नो, किधर किधर क्या कर रही है? ऊपर? नहीं, खाना। ओ हाँ, खाना है सच। ये तो जल्दी बन जाएगा जनत, अब 2 मिनट में ये बन जाएगा सोने। Yeah. That's why I don't need to
ये मेन काम तो हो गया, अब तो जस्ट फ्राई करना है, फिर आप खा सकती हैं। तो मैं आईपैड नहीं खेल सकता, खेल सकती जम नहीं खेल सकती, मुझे तो नींद भी आ रही है मामा, लेकिन मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है आपको? मुझे भी। क्या खाना है मेरे बेटे ने? आप मुझे खाना, मुझे खाना समोसे। खाओगी आप? फिर चलें जी, हम बनाते हैं समोसे। ये मेरी लास्ट रैपिंग है और इसके बाद डन। So with the help of my fairies, I got it. Can I have one Play-Doh yours? Yeah. Bete, this is not a Play-Doh, please. Please. Mom, we're pretending. No, don't pretend. Zara, mujhe ek napkin de, please, jaldi se. अच्छा जी, माशाल्लाह बरकत देखें कितनी है कि अभी तक ये पूरा हाफ भी नहीं सही तरीके से हुआ और मेरे कितने बन गए हैं समोसियाँ, ये देखें कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से। अगर मैं काउंट करूँ सिर्फ अंदाज़ा करने के लिए कि एक पैकेट में कितने बने हैं, ट्वेंटी ये है, ट्वेंटी ये है, मुझे लगा एक आधा कम ज्यादा होगा, तो ये 40 हो गए और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, चलो अभी अब ज्यादा टच नहीं करना, फिर जर्म्स लगते हैं, ठीक है? 50. ओके, सो 50 समोसियां बन गई हैं, जिसमें से 10 अभी हम खा लेंगे और ये अभी सारा जो है मिक्सचर ये रहता है। 19, 20 चले बनाए, हम बनाए जनत, फ्राई करें, लेट्स गो जी। तो अब हम ये देखते हैं जो कि जनत का जो स्कूल है उसके लिए हम कुछ फंड रेजिंग का इवेंट कर रहे हैं। फॉर व्हाट? हेलो, फॉर व्हाट? इट्स ओके मेरा बेटा, आपने कर दिया अभी, दैट्स गुड, आ जाए। तो एक तो है ये, आई थिंक ये वो वाली गेम है जो हेड हूप बास्केट, हेड पे बास्केट रख के ना और उसमें बॉल्स डालने होते हैं, और बेटे अभी नहीं खेलना, ये अभी सब बच्चों का है ना ये। तो एक है ये, वेट लेट मी पुट द मोबाइल समवेयर। अच्छा जी, हम कुछ गेम्स कर रहे हैं क्योंकि इवेंट है पूरा ये, और इसमें फूड के स्टॉल्स होंगे और गेम्स होगी, आर्ट एंड क्राफ्ट होगा, हिना बूथ होगा, लाइक काफ़ी कुछ है माशाल्लाह से जो कि हम लोगों ने अरेंज किया है, और उसमें मैं कर रही हूँ गेम्स का, बच्चों की जितनी भी किड्स एक्टिविटीज़ हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ उससे रिलेटेड है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग हैं 3 से 4 गेम्स रखेंगे, जिसमें एक ये बॉलिंग पिन्स होगा, 10 पिन्स हैं और 2 बॉल्स हैं, तो जैसे दो की टीम बना के, या फिर अभी हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हम इसको करेंगे, या फिर पर किड जैसे 1 प्लेयर कर लेंगे या 2 प्लेयर कर लेंगे, इस तरह से। तो एक गेम ये होगी और एक दो बच्चों की टीम बनेगी, और ये वाली गेम है, ये एक बास्केट सी बनी होती है जो इस तरह हेड पे आएगी, मैं आपको दिखाती हूँ।
इस तरह हेड पे आएगी वो बास्केट, और उसके अंदर फिर बॉल्स ये जो छोटे छोटे हैं ये फेंकने होंगे। ओके एंड व्हाट इज द थर्ड वन, थर्ड वन टॉस द रिंग। सो देयर इज कॉन्स, और आपने टॉस करना है और रिंग को जो है कॉन के अंदर डालना है, और इसके साथ जी, और फिर जो रिंग्स हैं ये इस तरह से इस शेप में रखी जाएंगी, और आपने ये जो बीन बैग है इसको आपने ऐसे फेंकना है कि रिंग के अंदर जाए। ओके या देयर इज थ्री इन वन, सो वन इज दिस, टू इज दिस, ओ द थ्री इन वन। ओके सो दो तरह से ये गेम्स हम खेल सकते हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जो भी विन करेगा उसके लिए हम विनिंग प्राइज भी रख रहे हैं, वो प्राइजेस हम कल इंशाल्लाह जो है करेंगे, पैक करेंगे उसको, बहुत काम है अभी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, 12 बज चुके हैं और अभी आज जो है मेरा क्लीन अप कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही मेरी हिम्मत हो रही है, जो सोने से पहले मैं सारी क्लीनिंग करती होती हूँ, इवन अब तो मेरी ये चटाई उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। जन्नत नूर आप अपने आईपैड उठाएं बेटे और टीवी के पास रखें, इट्स फाइन, सर्दी भी है ना। जन्नत मैं आप नूर आपसे मैं क्या कह रही हूँ बेटे, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी थी आपने उतार दिया, आप ही उठा लें आईपैड, उठाएं पाँव के नीचे आएगा, वहां रख दे टीवी के पास या चार्ज पे लगा दें। जन्नत आप भी उठा लें प्लीज, व्हाट गाइस आप टाइम देख रहे हैं पीछे 12:20, और इन लोगों की कोई नींद नहीं है, कोई थकावट नहीं है, आज तो पार्क में भी खेला है, पता नहीं क्या क्या किया है, बट स्टिल दे आर फ्रेश। मुझे बात करते करते नींद आ रही है। चलें जी, माशाल्लाह से समोसे भी डन हो गए हैं मेरे, ये फर्स्ट बैच था, अभी तो और बहुत ज़्यादा है, और ये यहाँ पे मैंगो कटने लगे आधी रात को। क्या तहीन, मैंगो काट रहे हैं आप? अच्छा जी, साथ के साथ ये देखिए जी गर्मा गर्म समोसे फ्राई भी हो गए हैं, साथ के साथ मैं बैट्स बना रही थी तो इसलिए इस पर ध्यान उतना नहीं गया, बच्चे कहते हैं कि हमने खा लिया है। तो ये समोसे रेडी भी हो गए हैं। अच्छा, अंडे का यही फ़ायदा होता है, मैंने आपको बताया था ना कि क्रिस्पी बहुत होते हैं, तो ये आवाज़ से कहें गेले। जन्नत जन्नत आप भी समोसे हो गए, अभी हॉट है, चलो ऊपर ले जाओ मेरी जान। ये रात के 1 बजे समोसा पार्टी हो रही है। अच्छा जी, ये भी फ़िलहाल अभी 4 पैकेट्स बन गए हुए हैं, कुछ मैंने फ्राई कर लिए और कुछ ये रह गए हैं, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा कि कितने और बन गए हैं, मेरी प्रिपरेशन कितनी हो गई है। और रात के 1 बजे इनके चेहरे पे कोई थकावट नहीं है, और इनके चेहरे पे भी तो हम करते हैं अपनी समोसा पैटी और आप कह रहे हैं रेस्ट। चलें जी, हम करते हैं समोसा पार्टी जनरल, ठीक है, लेट्स गो, और आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।